चल रहा है। समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई। मोदी जी ने जमहूरियत को तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये सीधी तस्वीरें बारामूला में इस वक्त मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर मंच से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है और जो वहां पर भीड़ मौजूद है उस भीड़ का भी उन्होंने अभिवादन किया। मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, 30,000 आज तक ये तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरे देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो था, मगर ये तीन परिवारों ने मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को घुसने नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा क्यों घुसने नहीं दिया। जब यहां आया एक साल पहले एक जर्नलिस्ट ने कहा कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो अगर बनेगा तो वो के वो ही डर लिए जाएंगे, वो भला क्यों करेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चढ़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने तय किया है गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचे। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए 70 साल तक ये तीन परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में, 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा, पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है।